हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी एजुकेशन लर्नर। सो आज की वीडियो हम देखेंगे बीएससी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज का टॉपिक है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो इसमें बताया गया है कि यह सिद्धांत पाउली ने सन 1925 में प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्याएँ मुख्य एन, दिगंसी एल, चुंबकीय एम, स्पिन एस समान हो। अर्थात एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रथम तीन क्वांटम संख्याओं एन, एल तथा एम के मान समान हो तो उनका चक्रण भिन्न भिन्न होगा। इसे निम्नलिखित उदाहरण से भली भांति समझाया जा सकता है। इसे समझाया गया है उदाहरण से। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s² 2s² 2p² हम 2p² इलेक्ट्रॉनों पर विचार करते हैं। सुविधा के लिए हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को ए एवं बी से निरूपित करते हैं। इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि एक परमाणु के किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि किसी परमाणु में चार क्वांटम संख्याओं के सेट से किसी एक और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा परमाणु की संरचना स्पष्ट होती है तथा प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकती है। तो यह टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय।